यार मुझे लगता है अशर ने बोलना स्टार्ट कर दिया। अभी इसने बोला डैडी डैडी हैं। हाँ अरे वाह, मैं बस यही चाहती थी ये वाटर बेबी बने, और आज इसे पानी में ऐसे तैरते देखती हूँ ना, हाय इतना खुश हो रही हूँ मैं। तो हमने सोचा अपना प्रॉमिस पूरा करने चलते हैं रोमानिया ड्रैकुला कैसल दिखाने। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो आज डे 3 है ग्रीस में, और ना हम अब एथेंस छोड़ रहे हैं, तो हमने सोचा चलो सिंतूर भी चलते हैं। वो आपने देखे ना व्हाइट व्हाइट से घर होते हैं, फिर वो पानी होता है, बहुत ब्यूटीफुल सा है, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स आती है और दिखाते हैं रूम का वही हाल। बेबी कॉट में अशर नहीं है, यहाँ पे सारा सामान है क्योंकि अशर तो ये रहा। अशर गुड मॉर्निंग, हाय हाय एक्साइटेड हो गया, ये लो अशर, ये खेलो, 1 2 3 गो। सब जल्दी से रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आपको यहाँ की हम डोमेस्टिक फ्लाइट दिखाएंगे जो हम लेके जा रहे हैं सिंतूरनी। अरे हीरो अशर और मामा क्या तैयारी हो रही है? सिंतूरनी जाने की तैयारी हो रही है एथेंस से, और हमारे इस लड़के को नहीं पहननी जैकेट। फिर कितना स्मार्ट लग रहा है यार। सही तो लग रहा है यार, पापा को भी ऐसी जैकेट दिला दे यार। कमेंट्स में बोल दो अशर जैकेट ओपी, फिर इसको पता लगेगा बड़े होके कि मेरी जैकेट पे मैं क्यों रो रहा था फालतू में, इतना तो अच्छा लग रहा था यार। ये मेरे को दे देना, इसको नहीं पहननी, तो मैं पहन लूंगा। चले निकले यहाँ से एथेंस से, चलते हैं आपको दिखाते हैं यहाँ की डोमेस्टिक फ्लाइट। मजेदार विला बुक कराए वो दिखाते हैं। अबे हाँ, बहुत तगड़ा विला बुक कराया ना तुमने, इतना सामान लेके आया है कि मर्सिडीज में भी नहीं आने वाला तेरा। अशर कितने सारे कपड़े देख रहे, रोज नए नए कपड़े पहनते, मैं वही सेम जीन्स। यार तू फिर कपड़ों पे आ गया, चौथे दिन भी वही सेम जीन्स। देख तेरे कपड़ों से कितना जेलस है यार। अशर को इतना लगेज आता ही नहीं गाड़ी में, सही में मेरे बैग में अशर के कपड़े, तेरे बैग में अशर के कपड़े, अशर के बैग में अशर के कपड़े। भाई 10 मिनट हो गया अभी तक लगेज नहीं सेट हुआ। हो गया। चलो चलते हैं। हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट और बहुत ही लंबा क्यू है। अच्छा ये हम टाइम से आ गए हर। तू थैंक यू कह सकती है मुझे क्योंकि मैं हमेशा ऑर्गेनाइज और टाइम से चलता हूँ ना। और यहाँ पे अशर सो चुका है, सबसे अच्छी बात यह है कि वो सो गया है। वैसे मैंने प्रायोरिटी चेक इन लिया था बट वो कह रहे हैं प्रायोरिटी चेक इन ना फ्लाइट में जाने के लिए है, आपको बैग्स तो लाइन में लग के चेक इन करने पड़ेंगे। भाई इंडिया कितना अच्छा है, प्रायोरिटी चेक इन देता है बच्चे के साथ। एक्चुअल में ना इंडिया में आपको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ता, अगर आपके साथ बेबी है, स्ट्रॉलर है, फैमिली हो तो आपको प्रायोरिटी चेक इन मिलता है। ओके दोस्तों मजाक नहीं करी, पर एथेंस एयरपोर्ट में मुझे लगता है 2 घंटे पहले आना चाहिए था, इतना कुछ है, इतना कुछ यहाँ पे लेने को। मैं ऑलरेडी एक गुची का परफ्यूम ले चुकी हूँ, मेरा जिवोंची का लेने का मन था, मेरा जो मेलॉन का लेने का मन था, तो मैंने बहुत सारी अच्छी चीजें लेने का मन था। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं सिंतूरनी के लिए। अच्छा हुआ हम लेट आए, अच्छा हुआ। थैंक गॉड बच गए पैसे। यार मुझे लगता है अशर ने बोलना स्टार्ट कर दिया। अभी इसने बोला डैडी डैडी हैं। हाँ अरे वाह अशर, अशर का पहला वर्ड है। अभी नहीं बोला उसने, नहीं बोला। जब बोलेगा क्या लगता है गाइस क्या बोलेगा, डैडी या मम्मा? पापा। मम्मा क्या हुआ, बहुत ही अच्छी चीज हुई, हर्ष ना सीट बुक करा रहा था, अपनी तो बुक करा ली पर मेरी बुक कराने का तो वो हुई ही नहीं। अब मुझे सबसे अच्छा ये हुआ कि उसने खुद ही 1 सीट दे दी। हाँ, सबसे बेस्ट सीट इस बस की 1 सीट मिली है तेरे को, प्लेन की नहीं मिली, वो मेरे नाम पे है। तो भाई हमने सीट चेंज कर लिया, मैंने कहा मैं तो हर्ष के साथ ही बैठूंगी क्योंकि अशर अपने पापा से दूर नहीं बैठता ना। और ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है भाई, ये खुल नहीं रहा। एक तो मैं तेरी वजह से यहाँ आई हूँ और तू मेरा परफ्यूम यूज कर रहा है। यार यही तो ट्रिक थी, मैं चाहते नहीं था तू यहाँ पे आए, आराम से तेरा परफ्यूम लगाऊंगा। इसकी अनबॉक्सिंग कर लूं प्लीज? नहीं नहीं यार प्लीज। अच्छा कर ले, छोड़। कितना बुरा है यार, इसको देख रहा पूरा खेलने के मूड में, तब से मस्ती करी जा रहा है, हाथ मार रहा है, पैर चला रहा है। देखो क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? अरे अरे सीट बेल्ट लगा लिया भाई ने, इसको तो अब आदत पड़ गई है सीट बेल्ट की एक्चुअल में। और इस पॉइंट के बाद अशर ने मेरा माइक हिला दिया, बंद कर दिया, और हमारा पूरा सिंतूरनी का एंट्री का व्लॉग पूरा बंद माइक के साथ रिकॉर्ड हुआ। ये देखो हम पहुंच गए सिंतूरनी के बहुत ही सुंदर से एयरपोर्ट पे, और यहाँ पे लगेज लेके जा रहे हैं, हर्ष के पास बहुत सारा लगेज है, हमारे ड्राइवर ने हमें पिक किया, और हम यहाँ पे फिर से बहुत सारा व्लॉग कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारा माइक बंद है, तो बहुत बड़ा पोपट हो गया हमारा, बट बहुत ही सुंदर सा एयरपोर्ट था। और हंसते खेलते बातें करते करते हम पहुंच गए अपने होटल। तो होटल तक लगेज पहुंचाना कोई सोखा काम नहीं था, बहुत ही मेहनत का काम था क्योंकि हमारा होटल था ईया के सेंटर में, और उसके सेंटर तक पहुंचने के लिए बहुत सारी स्टेयर्स उतर के जानी पड़ती हैं। तो होटल वालों ने हमें भेजी थी कॉन्सियर्ज सर्विस, और ये भैया हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने सारे बैग्स नीचे लेके जा रहे हैं, थैंक यू भैया। यही होता है ना व्यू। भाई ये कहां गए हम? ओपे यार वेडिंग शूट चल रहा है, ये पर्सनल पूल। वो देख सामने। ओ ये हम कहाँ गए अशर, ये कौन सी जन्नत ले आए तू हमें? क्या विला बुक कराया है यार मैंने, शर्म कर ले हर, बुक मैंने कराया है। और सिंतूरनी में आते ही पहली मील आलू जीरा विद परांठे, और साथ में अचार और साथ में व्यू, कमाल कर दिया। और इसे देखो कहाँ पे बिठाया है एक बाजू ऊपर करके बैठा चुपचाप
खाले पीना बहुत बुक। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिंतूरनी। आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह के 6:30-7 बज गए हैं। हम 5 बजे के अराउंड उठ गए थे, फिर ऐसे ही भ्रमण करते रहे, रूम देखते रहे, चीजें सॉर्ट करते रहे। तो भाई देखो सुबह हो गई है और यहाँ पे ना लाइन लगी हुई है, कैसे फोटोग्राफर्स आए हुए और फोटोज खींच रही है एकदम हमारे रूम के बाहर। ये खींच रही और ये आगे लाइन लगी हुई पीछे। हे गाइस, सिंतूरनी के बहुत ही ज्यादा सुंदर गॉर्जियस टाउन इया से गुड मॉर्निंग। हाँ तो तूने तो 5 बजे करी थी ना मेरी गुड मॉर्निंग, तो अब हुई है 9 बजे। देख मैं तेरे लिए लेके आया आम की पेटी। अरे तू नहीं लेके आया, मुझे पता है भैया देने आए हैं। इसके अंदर बहुत सारी ब्रेड, फ्रूट्स, जो जो होने वाला है दिखाती हूँ एक्चुअली आपको। पता हमें भी नहीं क्या क्या है। मैंने पढ़ा था कि क्या क्या होगा। 2+1 हर्ष, 1 इस छोटू के लिए भी दिया है उन्होंने। येरा इसका दूदू। नहीं नहीं इसके लिए फ्रूट्स होंगे आई एम श्योर। इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। कितनी क्यूट सी पेटी है यार। भाई क्या चीज अनबॉक्स कर रहे हैं हम। ये क्या है देखियो, चाको। ओके एग्स है, स्क्रैम्बल्ड एग्स, फ्रूट्स ऐसे जार में आए यार, बॉइल्ड एग भी है। ये वो होते हैं ना क्या कहते हैं नट्स वगैरह, ये बहुत सारे आई थिंक बटर, ये योगर्ट, एक और योगर्ट, लाइन लगा दी यहाँ पे, एक और योगर्ट, एक और मटकी, लगता है इनकी खुद की प्रोडक्शन है। ब्राउन ब्रेड, ये भी कोई वाइट ब्राउन मिक्स है ब्रेड। बिस्किट्स और बिस्किट्स, केचप है या फिर कोई ड्रेसिंग है आई थिंक, जैम होगी शायद। ये क्या है बॉक्स, ये तो मैंने देखा ही यार, ये कुछ स्पेशल लग रहा है। एक और, अभी इतना कौन खाएगा। हाय प्रेरणा, क्रोइसेंट तेरे फेवरेट। और तू एक मानेगी नहीं, पता है क्या है, चॉकलेट क्रोइसेंट नहीं सैंडविच, ये तो मैं खा रहा हूँ। लवली बन, ये भी कह रहा है गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो खाते हुए देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं यार, कैसे देख रहे हैं शेर। लवली बन सैंडविच है भाई। ऑन सिंग बर्गर, बलगल, बच्चा देखो कैसे रिएक्ट कर रहा है। क्या मत कर उसको यार, तरसा रहा है तू। तू पता उठी नहीं थी ना उस टाइम, सो गई थी दोबारा से। पता सुबह क्या था यहाँ पे, लाइन लगी हुई थी, लोग फोटोज खिंचवाने आए हुए थे। हाँ तो मुझे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, मुझे इतनी नींद आ रही थी। तो चलो गाइस ब्रेकफास्ट करते हैं और बहुत सुंदर सा ये व्यू एंजॉय करते हैं, फिर आपको आज दिखाते हैं सिंतूरनी। तो हर्ष ने कहा है कि अब वो हमारे घर में शूट कर रहे हैं, तो मैं उनसे बात करके आऊंगा। मुझे ये वाली ड्रेसेस चाहिए शूट के लिए। हम अपना शूट कर रहे हैं। हेलो हाय Hi. You guys are looking very nice. तो गाइज देखो फैक्ट ये है कि हम जहाँ रुके हुए हैं ये सबसे फेमस जगह है। मतलब वो जो डोम होता है ना ब्लू वाला, जिसके ऊपर एक्चुअल में वो सजदे में ही झुकता है, वो सारे गाने वाने भी शूट हुए हैं, वो यहीं पे शूट हुए हैं। तो अभी तुझे कपल शूट करना पड़ेगा। ये कर तो रहे, खड़ी इनके साथ हो गया, हमें भी करना पड़ेगा। अब इनके साथ खड़ी हो जा, हो गया शूट। हमें तो निकलने की जरूरत भी नहीं, हम इनसे डिस्काउंट भी ले सकते हैं। मेरे जैसा अशांत बंदा आज चाह रहा था कि यार शांति हो, रूम में आराम से रिलैक्स करें, पूल में नहाएं, बट ये देख ले जनानिया क्या कर रही है। मैं बता रही हूँ हर्ष, पैसे लेने शुरू कर देते हैं, बिजनेस बना सकते हैं यहाँ पे। यहाँ मैं यहाँ पे पूल में जाने का सोच रही हूँ, यहाँ मेरे को नहाते हो देखेंगे। अरे क्या मजाक हो रहा है। हाँ आप ही की कमी थी दोनों की। ये भाई साहब अपनी नैप पूरी करके आए हैं, अभी बाहर पूरा मजमा लगा हुआ था। आपको टूर देने का बहुत ही गॉर्जियस सा विला है हमारा। व्यू तो मैं आपको बहुत बार दिखा चुकी हूँ, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा व्यू है, मतलब ऐसा तो दुनिया में नहीं देखा। बाकी अभी आपको पता ही लग रहा है एलेवे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ पूरा व्हाइट है। यहाँ जो लेफ्ट पे मेरे एक्चुअल में पूल वाला सेटअप है, जकूजी सेटअप है, पूरा व्हाइट है। राइट साइड पे मेरे एक रूम है वो पूरा व्हाइट है, टॉवल्स पड़े हैं क्योंकि सुबह हमने जकूजी में डिप मारी थी। और देखो यहाँ पे ये पूरा व्यू है, बहुत ही गॉर्जियस सा ये है रूम। ये भी हमने अच्छे से यूज करा है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ऐसे विंडो है, विंडो से पूरा बाहर से इया दिखता है। और ये हमारा रूम है, ये यहाँ पे मैं दिखूंगी। हेलो, वाइट 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 हर्ष, बहुत ही स्टनिंग से इंटीरियर कर रखे हैं लोगों ने। किचन देख रहे हो यार कैसे कितनी ज्यादा अमेजिंग बनाई हुई है। यहाँ पे एक पूरा वॉशरूम सेटअप है, ये सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पे पूरे ऐसे डंजन सा बनाया हुआ है, यहाँ गेम्स वेम्स खेल सकते हैं भाई। ये सेटिंग एरिया शांति जो चाहिए होती है, जिसको पीस चाहिए होता है, हाँ उसके लिए वहाँ पे बोर्ड गेम्स भी पड़ी हुई है, मेडिटेशन और बोर्ड गेम्स पड़ी हुई है। ये सबसे स्टनिंग चीज है, ये देखो यहाँ सेटिंग एरिया बनाया, मतलब हर जगह हमारा सामान बिखरा हुआ है। यहाँ पे हमारा मिस्टर अशर सोया हुआ है, कैमरा भी लगा रखा था हमने, अशर बिछरा हुआ है। ये पूरा मतलब वॉक करके आप जाओ और यहाँ से अंदर जाओ, वो भाई ये देखो ये बाथटब यहाँ पे से। ऑल इन ऑल बहुत बड़ा, बहुत मैसिव, बहुत ही सुंदर सा हमारा विला है।
ये हमें पड़ा है 25,000 रुपीज़ अ नाइट। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ कि अक्टूबर जो है ना वो इतना ज़्यादा पीक सीजन नहीं है, फिर भी इतना टूरिस्ट आया हुआ है, इसलिए हमें 25,000 रुपीज़ अ नाइट मिल गया। अदरवाइज पीक सीजन जो कि अगस्त होता है भाई, उस टाइम पे आई एम प्रीटी श्योर 1-1 लाख रुपए का भी शायद कमरा बिकता होगा, तो कम ही होगा क्योंकि व्यू देख रहे हो आप यहाँ पे, सुबह से फोटोशूट्स चल रहे हैं। बेस्ट चीज़ अब मुझे ना आइडिया मिल गया है कि हमारे नए घर में एक्चुअल में इंटीरियर कैसे कराने हैं। ये देख रहे हो आप यहाँ पे खाना वाना भी चल रहा है, दाल मखनी पराठे। भाई कपड़ों में गेर मत लेना, देर तो पुरानी आदत है। तो जल्दी से अभी मैं भी थोड़ा सा एक आधा पराठा खा लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं बाहर स्टनिंग सा सनसेट देखने। मैं फिर से कपड़े चेंज करने वाली हूँ क्योंकि अलग अलग फोटोज अलग अलग जगह यू नो इंस्टाग्राम के लिए करना पड़ता है, तो बहुत मजा आ रहा है लिटरली। गिरा दिया, ये देख रहे हो आप इसे, क्या ही बोलूं मैं, दूसरी बार चम्मच गिराए, दूसरी बार बंदे ने गिराया। और यहाँ हमारे अशर बाबूजी उठ चुके हैं, तो चल रहे हैं हम इनको घुमाने। कह रहा पापा मैं भी वाइट बनूंगा। मैंने सिंदूरनी का नाइसेस्ट कलर पहन लिया, इनकी डोम्स के ऊपर ऐसे ब्लू वाला कलर होता है ना, मैंने फिर ऐसे ब्लू वाली ड्रेस पहन ली, मेरा बड़ा मन कर रहा था। बट अभी वैसे अंधेरा हो गया, सनसेट हो गया, फोटोज तो आने नहीं वाली, थोड़ा बहुत घुमाते हैं दिखाते हैं आपको। लेट्स गो, क्या व्यू आ रहा है यार यहीं से। आज मेरा मन था सनसेट देखने का, चलो कल करेंगे। बड़े सही पॉइंट पे खड़ी है तू, बहुत अच्छा पीछे व्यू आ रहा है। थैंक्स यार। कितना बंदा है, वह कह रहे हैं ऑक्सीजन लग तो नहीं रहा मुझे ऑक्सीजन। बहुत ही स्टनिंग सा सनसेट देखने के बाद और 1 लाख पिक्चर्स खींचने के बाद और लिटरली 10,000-20,000 पीपल से मिलने के बाद जो कि अशर को बहुत ही प्यार से कर रहे थे। यार मैंने एक चीज नोटिस करी है, पहले हम लोगों को कहते थे हमारी फोटो खींच दो, अब अशर साथ में है ना तो बंदे अपने आप कहते हैं हम तुम्हारी तीनों की फोटो खींच दे। यार सीरियसली ये एक बहुत बड़ा फायदा हो गया हमें अशर का, फैमिली विद बेनिफिट सर्च। एनीवे इतनी सारी चीजें करने के बाद हम ऊपर पहुंच गए हैं मार्केट में और अब देखते हैं मार्केट में क्या क्या दिखता है। मैं तो शॉपिंग करने वाली हूँ, जो उनसे मर्जी मार्केट हो मुझे गया। तो हर्ष को मैंने यहाँ पे रोका है क्योंकि मुझे पसंद आ गया सूविनियर, बहुत ही अलग से सूविनियर्स हैं यहाँ पे और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैं रुका नहीं, जबरदस्ती रुकवा रही है ये, ठीक है ना, अशर के फर्स्ट ट्रिप है। कह रही है अशर के लिए टी शर्ट लेनी है और फिर वो ले रही है, फाइनल है, मैं ये ले रही हूँ, ये वाला फाइनल हो गया और हम ये ले रहे हैं। तो अशर का एक और बेनिफिट देखो, ये इसकी क्यूटनेस की वजह से अशर को देखो, यहाँ पे बेबी को इवन चार्म मिला है, इससे इसको नजर नहीं लगेगी। बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं भाई, हमारे पीछे देख ले, सब पूछ रहे हैं कि अगर आप इसको कुछ पैसे कम कर सकते हो, उसने सिर्फ हमें दिया है। हमने पूछा है ना यार ये कैसा बच्चा है यार, इसको गिफ्ट मिल जाते हैं। तो हमें ये हैट पसंद आई है अशर के लिए, ये वाली नहीं सही, ब्लू, वैसे ब्लू अच्छी लग रही है पर आई थिंक ये वाली सबके कलर्स के साथ जाएगी ना, आई थिंक पिंक ले ले। क्यों यार अशर को कोई भी पसंद नहीं आ रही है, उतार के फेंक रहा है, पर प्रोटेक्शन तो इसी में होगी, सो वी हैव टू बाय वन। कौन सी, ये वाली? आई थिंक ब्लू ज्यादा क्यूट है यार। ओके फाइनली अशर के लिए हैट ले लिए, लेट्स सी इसको कैसा रिएक्शन देता है ये। मैंने पहनाया तो बिल्कुल नहीं पहनना था, अब देखते हैं क्या करते हैं। यस कितना खुश है, लड़कियों से पहन लेता है, बड़ा तेज है यार ये। और घूमते घूमते बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद हाँ पहुँच गए हैं वही मेन जगह पे जहाँ पे पूरी दुनिया है। और पूरे दिन घूमने के बाद हम जा रहे हैं वापस, बहुत ही मज़ा आया, बहुत मज़ेदार दिन था और बहुत ही सुंदर चर्च है यार मेरे पीछे। और सेंतुरनी की अगली सुंदर सी सुबह प्रेरणा रेडी हो गई अपने फोटोशूट के लिए, अपने आपको रोक नहीं पाई और ये फोटोशूट चल रहा है प्रेरणा का, सब लोग देख के कह रहे हैं सो प्रीटी, सब देख रहे हैं। भाई तू कहाँ खड़ी हुई है, ध्यान से प्रेरणा गिर सकती है। अब सरा अशर देख रहे क्या हो रहा है, देख रहा है अशर, तू देख रहा है वो देखो देखो भाई, बड़ी मेहनत लगती है पोज डिसाइड करने में, पोज सेट करने में, और खड़ी कहाँ पे, एकदम एज पे। आज इतनी धूप निकली है और यहाँ देखो मुझे छोड़ के दोनों यहाँ जकूजी में आ गए हैं, मैं बस यही चाहती थी वाटर बेबी बने और आज इसे पानी में ऐसे तैरते देखते हो ना, हाय इतना खुश हो रही हूँ मैं, अरे इतना खुश है। तो गाइस जब से आए यही मॉर्निंग स्केड्यूल रहता है, हम उठते हैं, पूल में जाते हैं, बाहर जाते हैं, इंजॉय करते हैं, बहुत मजा आ रहा है, मतलब एकदम लेड बैक वेकेशन है, बस पूरे दिन ये व्यू देखते रहते हैं। सही बताऊं तो पता है क्या, अब ना ये लोग भी बोर हो चुके हैं ये वाला व्यू देख देख के, तो चलते हैं ना यार कहीं और कुछ दिखाने इनको। मैंने सुना है वोल्केनोस वगैरह भी है ना, तो शाम को चल सकते हैं हम सनसेट क्रूज करने। पर कल अब मुझे एक और दिन यहाँ नहीं रुकना, कल यहाँ से निकलते हैं यार। कहाँ चले यार, समझ ही नहीं आ रहा। रोमानिया। रोमानिया जाना है अशर तूने? ड्रैकुला। यादव ने वीडियो में बोला था। तो हमें ना हमारे प्रोमिसेस पूरे करने याद रहते हैं और हमें अब आदत सी हो गई है सारे प्रोमिसेस पूरे करने की, तो हमने सोचा अपना प्रोमिस पूरा करने चलते हैं रोमानिया ड्रैकुला कैसल दिखाने। चले। और अशर नहीं जाएंगे, हमें डर लगता है।
और फिर हम वॉक करके आ गए हैं इस लोकेशन नंबर 2 पे, जहाँ से हमारा घर दिखता है, वहाँ पे हमारा घर है कहीं। हर्ष, अशर और प्रेरणा क्विक ब्रेक लेके पीने वाले हैं योगर्ट शेक। अशर के साथ खेल रही है, पीकाबू वाला स्टाइल कर रही है। वैसे पीकाबू करने में बहुत ज्यादा शर्माता है। अरे हंस ले एक बार तो। हंसी तो रहा है। कर कर, हंस रहा है। इस बंदे ने मेरे 8 यूरो बर्बाद कर दिए। अबे योगर्ट क्या है, बनाना डाल दिया इसमें। तो हाँ, शेक के अंदर और क्या डालेंगे वो। मेरे को नहीं पीना।